सिवान से रात 10 बजे एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे कोटा से 1275 छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन सिवान आई थी। इस ट्रेन में गोपालगंज, मोतिहारी और सिवान के छात्र आए हुए थे। सिवान के प्रशासन के द्वारा बस से गोपालगंज भेजा गया था सभी छात्रों को, लेकिन एक छात्र का बैग सिवान स्टेशन पर ही छूट गया था, जिसके बाद आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि छात्र अपने पूरे परिवार के साथ रात 10 बजे स्टेशन पर पहुंचे हुए हैं अपनी सामान को ले जाने के लिए, और इनके पिताजी ने गोपालगंज प्रशासन पर बड़ा लापरवाही का आरोप लगाया। यह छात्र गोपालगंज के ब्रौली का रहने वाला था, लेकिन सामान छूट जाने की वजह से रात के 10 बजे गाड़ी रिजर्व करके अपने परिवार के साथ यह छात्र सिवान स्टेशन पर जीआरपी थाने में पहुंचा हुआ है, जहां पर उसकी सामान रखी गई थी। लेकिन यहां के जो जीआरपी पुलिस है उनके द्वारा इनकी सामान को दे दी गई है। और भी आपको एक बड़ी जानकारी बता दें कि यहां पर और भी छात्रों की सामान छूटी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ऐसे ब्लैंकेट है, बैग है, बहुत सारे सामान अभी यहाँ पर पड़े हुए हैं। अगर से जिन छात्रों का सामान अगर से नहीं मिला है, वह छात्र सिवान के जीआरपी थाने से आकर ले जा सकते हैं। यह सबसे बड़ी जानकारी आपको बता दे रहे हैं। अभी भी यहाँ पर कई छात्रों का सामान पड़ा हुआ है। केशव प्रसाद, ग्राम पोस्ट बरौली, जिला गोपालगंज के निवासी हैं। मेरा बच्चा इलेन कोचिंग में पढ़ता है, मेट्रिक की तैयारी करता है। कल कोटा से सिवान आया। सिवान से हमको मोबाइल से कॉन्टेक्ट होता रहा हो रहा था, तो मोबाइल से बोला कि हम लोग गोपालगंज जाएंगे। गोपालगंज बस से चला गया। हम कॉन्टेक्ट किया कि यहाँ लोग बोल रहा है, प्रशासन बोल रहा है, आप कोई बच्चा जो अपने सवारी से जाएगा। हमारा प्रॉपर बरौली घर है। हम बरौली सीओ साहब को फ़ोन किए, अंचल अधिकारी को फ़ोन किए, बोले कि सर सरकार कह रही है कि आप जो बच्चा बाहर से आएगा, प्रवासी जो भी आएगा, वो होम ब्लॉक आएगा, होम ब्लॉक से बच्चे को होम क्वारंटाइन किया जाएगा। सीओ साहब बोले कि नहीं, हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, पहले बीडीओ साहब से बात कीजिए। बीडीओ साहब का फोन बात नहीं होता है, बात नहीं हुआ। हम लोग तो सीधे बोलेगा अपने शहर से जाइए, बच्चे से बात कीजिए। सब लोग बच्चा शहर बच्चा लेकर जा रहा है। तो आप अपनी गाड़ी लेकर के वहाँ आए थे? हम नहीं, तो हम बरौली से फिर गाड़ी हायर किए। मेरा पर्सनल गाड़ी नहीं है, हम गाड़ी हायर किए। इतने रात में फिर से सिवान किस लिए आना पड़ा? भैया सिवान हम किस लिए आना पड़ा? वहाँ पूछे, मेरा बच्चा बोला कि मेरा बैग भूल गया है, बैग नहीं मिल रहा है। वहाँ प्रशासन बोले थे, वो कोई प्रशासन थे, बोले कि जहाँ सिवान उतरे वहाँ देख लीजिए। वहाँ हम लोग सिवान चले गए। सिवान बाहर स्टेशन के बाहर आए, पूछे बोले डी डी सी पास चले जाइए, नहीं तो जीआरपी थाना में देख लीजिए। हम लोग जीआरपी थाना में चले गए। यहाँ से कुशल हमको बैग मिल गया, हमारा बच्चा बैग में खुश गया, बोला साल भर के पढ़ाई है हमको। गोपालगंज यहाँ से गए थे, वहाँ अपना सामान उतारा, पता चला कि बैग एक तो गायब हो गया। तो फिर वहाँ बात किए तो बोले जहाँ सिवान में शायद कुछ दोस्त और आए थे, वो बोले शायद वहाँ रखा होगा, जाके एक बार देख लो और किसी का छूटा है। तो वही वापस आए तो यहाँ पे तो मिल गया, जीआरपी उसमें रखा हुआ था। तो उस समय बैग आपने देखा नहीं था कि बैग में? नहीं, वो लोडिंग का टाइम शायद छूट गया हड़बड़ी में, इसलिए। आपका सामान कौन लेके गया था बाहर? बाहर वो ठेला पे जा रहा था ना, वर्कर लोग थे तो उन लोगों के साथ गया था। तो इसके एवज में बदले में कुछ दूसरा बैग चला गया था क्या? नहीं नहीं, बैग तो था, वो उस समय लोडिंग जब हो रहा था ना बस पे, उस टाइम शायद रह गया वो हड़बड़ी में। तो कितने लोगों का बैग छूट गया था यहाँ? बस एक ही। आप कहाँ से आए हैं? मैं बरौली से, गोपालगंज से था अभी। तो आप अपने गाँव चले गए थे? हाँ नहीं, गोपालगंज में था अभी। अच्छा, जब बस से उतरे उसी टाइम में आपको पता चला? वहाँ पे आप बैग का डिमांड किए हैं वहाँ पे? हाँ। तो क्या बोला गया वहाँ? वहाँ बोले कि सिवान में जहाँ पे है ना, वहाँ पे छूटा होगा, देख सकते हो जाके। वही वहाँ का। तो यहाँ से जो बस से गए थे आप, फिर वहाँ से वापस कैसे आए हैं? गाड़ी से। वो लोग भिजवाए या अपनी गाड़ी से? अपनी गाड़ी से आना पड़ा। अपनी गाड़ी से आए हैं? तो क्यों उन लोग से आप नहीं बोले कि आप लोग भेजिए हमको वहाँ पे? फिर वहाँ तो जाने का, हम लोग को जाने का ही बैग है तो लोड कर रहे थे वहाँ पे, बस पे। बस पे लोड करने के लिए कर्मचारी थे ना, उन्होंने सही से लोड नहीं किया था, अपन को खुद लोड करना पड़ा था सामान। आप लोग अपने से लोड कर रहे थे? जी।
क्यों लूट करने वाले तो लोग नहीं, नहीं, नहीं सर, यहाँ से जो लोड किया गया था सामान यहाँ से बाहर तक स्टाफ के द्वारा, उसके बाद वहाँ से कोई सुविधा उपलब्ध हम लोग के लिए नहीं थी, बाहर का नहीं थी, वहाँ से सेल्फ हम लोग बस को लोड कर रहे थे, वहाँ से हम लोग लोड कर रहे थे, उन लोगों को कोई हेल्प नहीं थी वहाँ पे, वो लोग बाहर हट गए थे, इसके चक्कर हम लोग का बैग वहाँ से छूट गया, और इसके अलावा बहुत सारे बैग अंदर छूटा हुआ, 15 से 20 बैग वहाँ भी छूटा हुआ, अभी भी छूटा हुआ, यू कैन गो अब देख सकते हो वहाँ जाके 15 से 20 वहाँ बैग छूटा हुआ है। और जहाँ तक गोपालगंज की बात करें सर, गोपालगंज में हमें कोई फैसिलिटी उपलब्ध नहीं किया, जबकि यहाँ से बोल गए थे आपको ब्लॉक में वहाँ से फॉरवर्ड किया जाएगा, बट वहाँ जाने के बाद वो लोग बोल रहे हैं कि अपना सेल्फ गाड़ी मंगाइए फिर वहाँ से जाइए। तो ये आप किनकी लापरवाही मान रहे हैं? सिवान जंक्शन पर उतरे हैं, सिवान जंक्शन के प्रशासन स्टाफ, पुलिस स्टाफ, सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया और यहाँ मेरी गलती थी।